सभी बच्चों का स्वागत है इस इम्पोर्टेंट सेशन में। तो बच्चों, जैसे आप लोगों ने देख लिया है, एक ही थीम के साथ, एक ही पॉइंट के साथ एसएससी 2019-20 उड़ा देंगे। इस थीम को लेकर हम ये सेशन आपके लिए शुरू करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है विद रिस्पेक्ट टू एसएससी एग्जामिनेशन। जैसे आपको पता है, सीपीओ की वैकेंसीज आ चुकी हैं, स्टेनो की वैकेंसीज आ चुकी है और सीजीएल का नोटिफिकेशन जो है वो अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपको पता है कि अब वो पुराने दिन चले गए कि जब एसएससी अपना कैलेंडर फॉलो नहीं करता था। अब तो वो अपना पंक्चुअलिटी जो है उसकी ज़्यादा हो गई, अगर उसने 31 को लिखा हो सकता है पहले भी रिलीज़ कर दे सीजीएल का नोटिफिकेशन। तो किस तरीके से हमें एसएससी एग्जामिनेशंस को क्रैक करना है, कैसे अड्डा 24/7 की जो पूरी टीम है आपकी वो मदद कर रही है और वो कैसे आपको गाइड करेगी जिससे आपका होगा एसएससी में सिलेक्शन, इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए जल्दी से जितना शेयर कर सकते हैं सेशन को शेयर करें, क्योंकि इस सेशन में मैं अकेला नहीं, हमारी पूरी टीम आएगी, पर वो मैं तभी बुलाऊंगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में इसको शेयर करेंगे। तो जल्दी से शेयर करना शुरू करिए। यहाँ पे हम बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू करंट एसएससी का जो हमारा स्केड्यूल चल रहा है और साथ ही साथ एसएससी को हम किस तरीके से, कैसे स्केड्यूलिंग से आपका हम सिलेक्शन में हेल्प करेंगे, आपके रिविजन में हम हेल्प करेंगे। तो जल्दी से शेयर करिए। तो सबसे पहले तो हमारा यही क्वेश्चन है कि भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट से बताएं। एसएससी के कोई भी एग्जामिनेशन की, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट हो, इवन इसके अलावा जो पुलिस एग्जामिनेशन है, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखोगे, अगर हम रीजनल लैंग्वेज या हिंदी को हटा दें, समहाउ सिलेबस जो है वो एसएससी का बेसिक पुलिस में पूछा जाता है। तो वो लोग जो भी है कमेंट्स में होता है कि सर हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट उसके बाद हम शुरू करें हमारा सेशन। जेई, ओके, जेई के लिए भी बच्चे हैं हमारे पास। अगर हम मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम हमारे सामने निकल के आ रहे हैं एसएससी सीजीएल। तो अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल की, आप सबको पता है कि जो ऑफिसर पोस्ट है वो निकलती है हमारी सीजीएल के थ्रू। और अड्डा 24/7 या हमारा YouTube चैनल एसएससी अड्डा किस तरीके से आपकी मदद कर रहा है, तो उसके लिए पहले हम बुलाते हैं हमारी टीम मेंबर्स को एंड वो आपको बताएंगे कि अभी हम प्लेटफॉर्म हमारे एसएससी अड्डा पे आप लोग को क्या क्या दे रहे हैं। तो आई गेस टीम मेंबर्स आ जाए, आप भी आ जाओ। नहीं, तीन थी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग, एक बार सब लोग आ जाइए। जय महाकाल, आ जाइए सब लोग। मैथ का जो मेरा क्लास है, जो है मैथ का जो क्लास है, ठीक है, उसके बाद इसका जो क्लास रखा गया है, रीजनिंग का जो क्लास है, जीएस का एक्सपर्ट फैकल्टी है, हिंदुस्तान के जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है, वो अंडर 24/7 में पढ़ा रहा, ठीक है। आप सबका स्पेशल क्लास ले सकते हैं, उसमें प्रॉपर जो है 2.5-3 घंटे का क्लास रखा गया है और प्रॉपर कोर्स को, जैसे कि अगर हम रेगुलर में क्लास कर रहा हूँ, एक घंटे का क्लास रात को 8 बजे आता है धांसू ट्रिक के साथ, तो आप 30 दिन में सिर्फ 30 घंटे आप पढ़ सकते हैं। जबकि अगर आप अल्टीमेट जैसे प्रोडक्ट को आप लेते हो जो सर ने डिज़ाइन किया, 10 दिन के अंदर ही 3-3 घंटे से 10-30 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक बार सब लोग जुड़ जाइए। जय महाकाल, जय महाकाल, जय माता दी। भाई माता रानी का दिन चला हुआ, एक बार जय माता दी बोल दो थोड़ा सा, है माता रानी का दिन चला हुआ, जय माता दी बोल दो। अगर हम पॉइंट पहले, हम सबसे पहले बात करेंगे सर, जो हमारे जितने भी फ्री सेशंस हैं, चाहे वो मैथ्स के हैं, चाहे वो जीएस के हैं, चाहे वो रेलवेज के हैं, उन फ्री सेशंस में हम क्या पढ़ाते हैं और किस तरीके से वो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, बच्चों को थोड़ा सा उस बारे में गाइडेंस दीजिए। सर, अब यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा। सर, होता क्या है सर, जब हम लोग एमसीक्यू का सेशन लाइव में लेके आते हैं तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जुड़ते हैं, कहते हैं सर कॉन्सेप्ट पढ़ाइए, सर डिटेल पढ़ाइए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि वहां पे कॉन्सेप्ट दे पाना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, लेकिन अड्डा की टीम ने आपके लिए अल्टीमेट प्लस के नाम से, अब इसके बारे में सर आपको पूरा डिटेल बताएंगे, कोर्स डिजाइन किया हुआ है जिसमें माय डियर स्टूडेंट्स हम आपको पूरे सिलेबस का डिटेल, कि आपको सीजीएल में किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक वाइज डिटेल पढ़ाया जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस सर की बातों को आपको ध्यान सुनना है। जैसे दोपहर में मैं 1-2 जीएस संग्राम लेकर आता हूं, वहां पे मैं मजबूरी रहती है कि मैं क्या कर पाता हूं, मैं आपको सिखा पाता हूं एमसीक्यू। आप कमेंट बॉक्स में जुड़े रहते हो कि सर जरा डिटेल, सर जरा डिटेल।
शाम 7 से 8 आरआरबी एनटीपीसी में मैं आपके लिए जीएस के सारे सब्जेक्ट्स, वहां भी सेम प्रॉब्लम जाती है। तो अब अड्डा ने ठान लिया है कि आपका सिलेक्शन पक्का करना है और इसके लिए हमसे जो बनेगा वो किया जाएगा यार। यहां की बेस्ट टीम आपके लिए एफर्ट करेगी और पूरा कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन करेगी। और हां, हम लोग तो सब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, लेकिन आज का जो सेशन अभी सर बोलने वाले हैं कि माय डियर कैसे अल्टीमेट प्लस का आपको यूज करना है, किस तरीके से हम लोग के नॉलेज को, हम लोग की मेहनत को यूज करके सफलता की शिखर पे पहुंचना है, ये बात आपको क्लियर करना होगा सर। सर जरा आप मैथमेटिक्स के बारे में कुछ और बताएं सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यार देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है हमारे बीच में कि यार देखो, आप लोग कहते हो कि सर क्या मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कमेंट्स इस तरीके के आते हैं कि सर प्लीज़ आप मेरा डाउट सेशन लीजिए, आप मेरा डाउट सेशन लीजिए। तो बच्चों यार, ये अल्टीमेट में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और साथ ही साथ आपके जितने भी डाउट्स होंगे हम वो सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे एक एक स्टूडेंट के। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है अल्टीमेट की। सर ये बताइए कि सर अल्टीमेट में डाउट सेशन कब होगा? अगर हम बात करें अल्टीमेट प्लस में, डाउट सेशन जो है वो आफ्टर द क्लासेस होते हैं, जो कि अगेन जो कि हमारी जो भी फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, ध्यान रखिएगा, वही डाउट लेती है। अब जैसे सर ने बोल ही दिया ऑलरेडी अल्टीमेट प्लस क्या है, उसके बारे में अभी हम बहुत जल्दी हम डिस्कशन करेंगे। बट एक पॉइंट ये रहेगा कि सर जिस तरीके से अभी हमने आगे सेशंस प्लान करें आरआरबी के लिए हैं या एसएससी के लिए हैं, तो जो हम यहाँ पे जो हमारे चैनल पे चल रहा है वो मतलब किस आपकी स्ट्रैटेजी उसमें क्या है कि आर वी फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करते हैं, सो दैट बच्चे की प्रैक्टिस बनी रहे, क्योंकि क्योंकि डिटेल्ड में तो नहीं इतना टाइम मिल पाता। तो उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, फिर हम बाकी टीम से पेपर मिलाएंगे। बता देता हूँ सर डिटेल से थोड़ा सा, देखिए सुनिए बात को। हाँ, तो आप जो पूछ रहे हैं कि सर धान सुख क्लास आप लेंगे कि नहीं लेंगे, देखो मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट फैकल्टी है सभी क्लास लेंगे, साथ में मेरा भी क्लास होगा, ठीक है ना। इस चीज़ का डिफाइन नहीं है कि भाई, और पूरा एक टीम है, मैथमेटिक्स का टीम है, इंग्लिश का टीम है, रीजनिंग का, जीएस का, पूरा टीम है। तो सारा टीम का क्लास होगा, उसमें साथ में मेरा क्लास होगा। पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, ये अल्टीमेट प्लस है क्या, क्या है इसके अंदर? मैं यूट्यूब पर क्लास लेता हूँ, एक घंटे क्लास होता है, ट्रिक आपको सिखा देता हूँ, कोई प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हो पाती, नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने नहीं होते हैं। फिर अगला एक घंटे का सेशन लेता हूँ, 8 बजे के बाद 9 बजे कंसेप्ट का क्लास होता है। बट आप भी समझते हैं खाली एक घंटे क्लास से चीज़ें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि 100% देने के लिए प्रैक्टिस सेट करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेट जो कॉन्सेप्ट है ना, वो 3 घंटे क्लास के साथ साथ उसके साथ आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिलेंगे और डाउट सेशन भी उसके अंदर होगा। तो जबरदस्त तरीके का कॉन्सेप्ट है जो अल्टीमेट प्लस को जो डिजाइन किया गया है, उसको इसलिए डिजाइन किया गया है कि खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कि प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, मॉक टेस्ट को रखा जाएगा और उसके साथ साथ असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे आप लोगों को, और जबरदस्त तरीके से जो डाउट सेशन में भी आपका डाउट आता है, जैसे डाउट सेशन जो होता है उसमें एक डाउट सेशन भी रखा जाएगा। तो इस टाइप से उसको डिजाइन किया गया, क्योंकि 100% रिजल्ट देने के लिए खाली क्लास करने से कुछ नहीं होता, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेट प्लस का जो प्रोजेक्ट, जो अल्टीमेट प्लस का जो डिजाइन किया गया है मैथ इंग्लिश रीजनिंग और जीएस के लिए, इसमें सारा टीचर्स का, जो टीचर जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है और भी जो टीचर्स हैं, सभी टीचर्स का टीम है उसमें, खाली एक सिंगल टीचर से भैया कभी सचिन तेंदुलकर अकेला मैच नहीं जिताता है, पूरा टीम होता है, 11 प्लेयर्स का टीम होता है, टीम एफर्ट लगता है तब मैच जीता जाता है। तो आप इस बात को याद रखिए कि खाली एक टीचर नहीं पढ़ाएगा, उसके अंदर पूरा टीम एफर्ट्स होगा और टीम ही विनर करती है। आप देखिए कोई मैच जीता है, पूरा टीम एफर्ट होता है कि नहीं होता। तो आप लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा बहुत ही तोहफा है सर ने, और इसमें स्पेशल ऑफर दे रहे हैं और बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल ऑफर ये चला हुआ है। तो आप लोगों की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सब लोग ऐसे मौके को नहीं खोना है, क्योंकि एक घंटे क्लास से चीजें नहीं चलती, यूट्यूब पर आपको मिलता रहेगा। देखिए वो क्लासेस जो एक्सपर्ट्स जो आपको दे रहे हैं, जो भी इंग्लिश मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस के एक्सपर्ट है या मैथ का क्लास मैं दे रहा हूं, वो तो मिलती रहेंगी, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। पर ये जो स्पेशल आपके लिए डिजाइन किया गया अल्टीमेट प्लस, ये जबरदस्त प्लस है, जिसको कम समय के अंदर डिजाइन किया गया, कम समय में आप अपनी बेहतर प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो एक बार सब लोग जय माता दी और जय महाकाल बोल दीजिए, क्योंकि जबरदस्त सेशन है और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, दबा के ठोकी लाइक और शेयर, देर नहीं करने का लाइक और शेयर में, लेकिन क्योंकि आपके लिए है भैया। किसके लिए डिजाइन किया गया? आपके लिए डिजाइन किया गया, आपका अपना कोर्स है, आपका अपना डिजाइन, क्यों अड्डा 247 का मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि अड्डा 247 आपका अपना चैनल है, उड़ा देंगे, एग्जाम पहली बार दीजिए, उड़ा दीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए, ये हमारा। जैसे अगर हम बात करें एसएससी में, तो इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जीएस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगेन मेरे साथ मेरे मेंटर्स आ गए हैं। सो सर, कि जिस तरीके से अभी हम लोगों ने यूट्यूब के सेशन चला रहे हैं, उसमें हमारी थीम क्या रहती है बच्चों के लिए? देखो, एक सिंपल सी थ्योरी बताता हूँ कि सिलेक्शन पाना है। देखो, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है ना, कि मैं अगर एसएससी की बात करूँ ना, तो लिटरली सही बताता हूँ कि लोग बच्चों की जवानी पूरी बर्बाद हो जाती है एसएससी में, और एसएससी निकलती नहीं है।
हम 18 साल 19 साल से तैयार करते हैं और जवानी भी वहीं से शुरू होती है, और 27 साल 28 साल होने में जवानी भी खत्म हो जाती है और SSC भी नहीं निकलता है। तो जो सबसे बड़ी खामी है वो क्यों होती है खामी, कि दोनों गई ना माया मिली ना राम, तो या तो माया मिल जाती या तो राम मिल जाते। तो राम इट मीन्स कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए, और माया इट मीन्स कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो चलो ठीक है यार, एक नहीं 10-10 लड़की पटा ली है, चलो कम से कम यही सही, तो वो भी नहीं हुआ। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो वो क्या है, सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन में बार बार जो हमेशा आपको बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट बार बार जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सिलेक्शन इंस्टीट्यूट टीचर कुछ नहीं करता, सिलेक्शन तो तुम्हें खुद ही लेना होता है। तो हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। देखो किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट ए और बी पार्टिसिपेट करता है, और केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो बेसिकली हम जैसे YouTube पे, और सबसे बड़ी बात है YouTube पे अल्टीमेट में क्या डिफरेंस है तो मैं बताता हूँ। YouTube पे क्या होता है कि आपकी एक रेगुलर प्रैक्टिस होती है, वह स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं उनका क्या एक प्रैक्टिस सेशन है, वो कोचिंग जा चुके हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तब क्या करेंगे, घर में बैठ के सेल्फ स्टडी उतना सही नहीं लग रहा, तो एक बूस्टअप होता है। तो YouTube पे आता है मॉक टेस्ट, और जैसे सर लेके आते हैं मॉक टेस्ट, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग GS सबके मॉक टेस्ट आते रहते हैं, कुछ टॉपिक नई चीजें, कुछ नई चीजें लगी वो डिस्कस हो जाता है, तो वह चीजें चलती रहती है। और लेकिन पहले देखो क्या क्या होता है, जब आप खाना खाते हो ना तो एक खाते हो ना, खाना खाने के बाद मिठाई खा लेते, कोई दही खा लेता है, तो वही YouTube है, और प्रॉपर जो खाना है वो सिलेबस है, जो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसीलिए अड्डा 247 का जो अल्टीमेट बैच आ रहा है, तो अल्टीमेट कैच क्या होगा बेसिकली, उसमें सारी टीम अड्डा 247 पे एक दो मैथ के टीचर नहीं है, अगर मैं आपको अकेले मैथ के कम से कम 15 टीचर होंगे, करेक्ट, रीजनिंग के कम से कम 6-7 टीचर होंगे, इंग्लिश के 10-12 टीचर। तो अड्डा 247 अपने आप में एक ब्रांड है, इसी ने किसी को उठा के कहीं भी डाल दिया। आपने देखा होगा कि इतिहास देख लो, अड्डा 247 पे अभी तक जो टीचर हैं और जो आने वाले भी टीचर हैं सब देख लो अपने आप बेस्ट हैं, जहां भी गए हैं, जहां अगर हमें कोई कहीं ले भी जाता पूछा जाता इसीलिए ना, क्योंकि हम अड्डा 247 पे पहले पढ़ाते थे, सिंपल सी थ्योरी है, हम अड्डा 247 पढ़ाते, कैसे किसी को उठा के थोड़ा को लेके चला जाता है, तो अड्डा 247 हम पढ़ाते थे इसीलिए हमें बुलाया जाता है, तो क्योंकि काबिलियत थी, अड्डा 247 के जीते। आप देखो बैंकिंग के बारे में सब बोलता है कि बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट अड्डा 247 का कंटेंट है वो पूरा इंडिया के किसी के पास नहीं है, उसी प्रकार से हम SSC में भी मेहनत करके इस तरीके से कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कंपनी ओरिएंटेड। अगर हम बात करें SSC के बारे में, जैसे सर ने बताया, सर ने सुबह क्लासेस रेगुलर क्लासेस शुरू कर दी है मैथ्स की, और फॉर श्योर आपको वहां पे पता ही लग गया होगा कि भाई हल्का फुल्का कंटेंट नहीं, बहुत भारी कंटेंट है, जिसकी वजह से जो भी आप व्यूज जिस तरीके से आप हमारे शोज को आप अटेंड करा रहे हो वो हम देख सकते हैं कितना पॉजिटिव है। अब हम बात करें इंग्लिश की, हम SSC एग्जाम में इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया कि ज्यादातर जो सर हमें बच्चे मिल रहे हैं वो हमें CGL के लिए मिल रहे हैं। अब CGL में बच्चों को पता है कि प्री के बाद मेंस होता है, और मेंस की प्रिपरेशन आपको पहले से ही करनी होती है। मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश है, फिलहाल स्टेनोग्राफर निकला हुआ है, 100 मार्क्स की इंग्लिश है, और SSC CPO में 50 का प्री, और मेंस में फिर से 200 नंबर की इंग्लिश। और इंग्लिश में आपको पता है इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज में कोई लिमिट नहीं है सर, देयर आर सर्टेन ऑफ वर्ड्स जो हम लोगों को पता भी नहीं होते हैं। बट वही बात जो सर आपसे कह रहे हैं, हम लोग आपको यूट्यूब पे क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, मैं आपको सुबह वोकैबुलरी की क्लासेस भी दे रही हूँ, दोपहर में स्पोकन भी है, उसके बाद ग्रामर भी है, एक और सर हैं जो आपको CPO का पूरा बैच आपको पढ़ा रहे हैं। बट उसके बाद भी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम इसका सॉल्यूशन बताइए, इस क्वेश्चन का बताइए, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बता पाएं। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम यही रहती है कि भाई टाइम बहुत लिमिटेड है, आपको सारी पढ़ाई भी वहाँ पर करवानी है, हर एक सब्जेक्ट भी आपका हम लोगों को क्लियर करवाना है, प्लस आपको डिटेल स्टडी भी करानी है, तो वोकैबुलरी स्पोकन ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन व्हाटएवर इट इज़ आपको कहीं पर भी लैक नहीं आनी चाहिए, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं फील होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग आप लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं। बिल्कुल, तो सर आई थिंक अल्टीमेट प्लस का जो हमारा प्रोग्राम है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम, व्हाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इसमें हम ये आपको बता दें, जैसे अल्टीमेट प्लस जब हमने अल्टीमेट का फर्स्ट प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया तो इट वाज अ ओनली वन बैच, बट अल्टीमेट प्लस एक आपका ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे पूरे साल में अगर हम हर महीने SSC से रिलेटेड या पुलिस एग्जाम से रिलेटेड 3-4 बैचेस हम लॉन्च करते हैं, आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा सिर्फ एक लौते अल्टीमेट प्लस से। साइंस का देखिए, जो SSC के एग्जाम में साइंस का GS का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, और GS काफ़ी मतलब जो स्कोरिंग सेक्शन होता है आपके SSC के एग्जाम में या फिर और भी कोई आप एग्जाम देते हैं, तो यहाँ पर जो साइंस मैं लेता हूँ यूट्यूब के ऊपर जो मैं लेता हूँ, तो मेरी जनरली एक घंटे की क्लास होती है और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पाता हूँ, मतलब कि जैसे एक घंटे में कई बच्चे बोलते हैं सर साथ में फिजिक्स करवा दीजिए, कई बच्चे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी
बायोलॉजी कहते हैं, कई बच्चे बोलता है सर केमिस्ट्री साथ में स्टार्ट करवा दीजिए, तो एक घंटे के टाइम में क्या होता है कि मैं धीरे धीरे किसी टॉपिक कराना होता है, एमसीक्यू कराना होता है, और उतना वो पूरा डिटेल में कोशिश तो करता हूँ लेकिन टाइम की कमी के कारण वो पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपके लिए एसएससी अड्डा की जो पूरी टीम है, यहाँ पर जितने भी टॉप फैकल्टीज हैं, जीएस के हों चाहे मैथ के हों या इंग्लिश हो या रीजनिंग हो, सारे आपके टॉप फैकल्टीज हैं। तो यहाँ पर जो अल्टीमेट प्लस है इसमें, ये टीम के साथ साथ जो आपकी टीम YouTube की टीम है उसके साथ साथ पूरे अड्डा 24/7 की जो बेस्ट टीम है वो आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाएगी। आप कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अगर गेन करना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, तो उन लड़कों के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत बेस्ट होने वाला है ये आपका अल्टीमेट प्लस। लास्ट में एक बोलना चाहूँगा, देखो बच्चे एक चीज़ है, एक तो ये चीज़ें हैं और दूसरी सरप्राइज आपको शाम में 7:40 में मिलेगी, तो आप जरूर लाइव होना 7:40 में। बैच के बारे में बताऊंगा कि बैच हमारा आ रहा है, तो अल्टीमेट का ही बैच है, क्या होगा कैसे होगा वो 7:40 में आप लाइव होकर आना, तो 7:40 में मैं आपको बताऊंगा, 7:40 तब तक बता दो टीम। अब आप क्वेश्चन सारे अल्टीमेट प्लस के बारे में, थैंक यू। तो टीम अगर हम बात करें आप हमारी पूरी टीम से, मतलब ऑब्वियसली अभी कुछ टीम जो हमारे सेशंस में आप उनसे मिल चुके हो, ये टीम के साथ साथ जो पूरी अडर 24/7 की हमारी एसएससी की टीम है, दे विल बी टीचिंग इन अल्टीमेट प्लस। क्या है अल्टीमेट प्लस, अब मैं चाहूंगा हमारी टीम से कि इफ पॉसिबल अगर वो हमारा एक पेज दिखा सकते हैं, लाइव क्लासरूम एक्सपीरियंस इन योर होम, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको मिलती है अल्टीमेट प्लस में। आप देख सकते हो सबसे पहला अनलिमिटेड लाइव बैचेस, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सेशंस, लेक्चर पीडीएफ्स, एक्सपर्ट फैकल्टीज, टॉपिक वाइज टेस्ट, सारे आपको बैचेस इसमें दिए जाएंगे। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस है, एग्जॉस्टिव क्लासेस है, डाउट्स है, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, 24/7 डाउट ग्रुप्स है, और क्लासेस होंगी आपकी हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल में। अब अगर हम बात करें प्राइसिंग की बच्चों, एसएससी अल्टीमेट प्लस से नीचे ले आइए, हम यहां पे हम बात करने आए, नीचे आ जाइए, हम बात करें एसएससी अल्टीमेट प्लस की। आप बच्चों देख सकते हो कंप्लीट लाइव क्लासेस फॉर सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल एंड ऑल पुलिस एग्जामिनेशंस आपको मिलेंगी 5,000 रुपीज में। टीम अब एक बार अगर आप मुझे दिखा दें, तो अब हम बात करते हैं बहुत जरूरी, टीम क्या आप एक बार अब मुझे आप एक बार दिखा सकते हैं, मुझे दिखा दीजिए। तो अब अगर हम बात करें, जैसे आपको पता लग गया है अल्टीमेट प्लस जहां पे आपको मिल रहे हैं सारे एसएससी या पुलिस के लाइव बैचेस, और जिसकी कीमत है अभी आपने देखा होगा 5,000, बट आप सबको पता है कि भाई अभी अडर 24/7 सेलिब्रेट कर रहा है 10 करोड़ स्टूडेंट्स, उसी के उपलक्ष पे हम लोगों ने लॉन्च करा है हमारा द बिगेस्ट स्टूडेंट कार्निवल, और इसी कार्निवल में बच्चों ये जो पूरा आपको है आपको मिल रहा है 40% ऑफ पे, मतलब कुल मिला के ये मिल रहा है आपको 3,000 रुपये में सिर्फ, जिसमें आपको मिलेंगे 12 महीने के सारे लाइव बैचेस ऑफ एसएससी एग्जामिनेशंस। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको मैंने टीम से मिलवाया है जो इसका पार्ट रहेगा, और भी टीम है जिनको हम कल आपसे मिलवाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये सारी की सारी टीम है जो कि एसएससी अल्टीमेट प्लस का पार्ट है, और जिसमें एक ही फोकस है भाई एसएससी एग्जामिनेशन है, उड़ाएंगे। जैसे आपने देखा हमारे मैथ्स की फैकल्टीज, हमारी रीजनिंग की, हमारी इंग्लिश की, हमारी जीएस की पूरी फैकल्टीज इसका पार्ट है। प्राइस आपने देखिए 5,000 है, बट अभी जो 40% ऑफ चल रहा है, जब आप कोड लगाओगे फेस्ट 40, एक बार देख लेते हैं टीम, एक बार आप स्टोर पे दिखा दीजिए, अब हमें सब्सक्राइब नाउ पे एक बार क्लिक करिए, हाँ जी इस पे क्लिक कर दीजिए बच्चों, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप स्टोर पे पहुंचेंगे store.adda247.com। एनी प्रॉब्लम विद द पेज, आप स्टोर पे जा सकते हैं store.adda247.com पे जाइए एक बार, आप कोई भी डाउट है आप हमें मेल लिख सकते हो blogger@adda247.com पे, कोई भी डाउट है आप हमें मेल लिखिए। टीम एक बार स्टोर पे आ जाइए, store.adda247.com,
ऑनलाइन लाइव क्लासेस पे क्लिक करिए एक बार। बच्चों आपको विजिट करना है store.adda247.com, उसके बाद ऑनलाइन लाइव क्लास पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो फोर्थ आपके सामने है, अल्टीमेट प्लस फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस। सारे लाइव बैचेस सिर्फ 5000 रुपए में, बट आपको भी पता है एक्चुअल 5000 रुपए नहीं है क्योंकि 40% ऑफ चल रहा है। क्या कोड है अभी हम बताते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करिए, ऊपर के सारे रिमूव करिए, पहले ये इसको भी रिमूव करिए, सारे रिमूव करिए, बस इसको रहने दीजिए। तो बच्चों ये एसएससी अल्टीमेट प्लस कूपन कोड पे आ जाइए, टाइप करिए FEST फेस्ट 40, क्योंकि फेस्टिवल वीक फेस्टिवल मंथ हमारा चल रहा है, इसमें आपको मिल रहा है 40% का ऑफ, और साथ ही साथ आप जीत सकते हो 30 लाख के प्राइसेस। जो भी मेल आईडी, एक बार मेल आईडी डालिए, यही डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम, अप्लाई करिए एक बार, नीचे आ जाइए, आप देख सकते हो ओनली फॉर 2999, मतलब 3000 रुपए में आप एनरोल कर सकते हो फॉर दी एसएससी अल्टीमेट प्लस। You can enroll for the SSC Ultimate Plus, जिसमें आपको मिलते हैं सारे के सारे अल्टीमेट के SSC के लाइव क्लासेस। कोई डाउट हो तो ये मेल आईडी है, या कमेंट्स में जरूर हमें बताइएगा। एंड टीम से हम मिल चुके हैं, फेस्टिव हमारा द बिगेस्ट स्टूडेंट कार्निवल चल रहा है, इस बीच आप जो भी परचेज करते हो हर परचेज पे आपको इनाम मिलेंगे, हर परचेज पे प्राइजेस है, और जो हमारा मंथली ग्रैंड प्राइज है वो है iPhone 11, तो उसके लिए पार्टिसिपेट करिए, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।